हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम छोटे डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू 25 लेटेस्ट क्वेश्चंस फॉर एन आई एस एम फाइव ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं बार बार हर बार रिपीट होते जा रहे हैं दैट इज़ वाई आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ सो मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ जनरली तो आप वीडियो को 1.25x या 1.5x की स्पीड पे देखें तो एक आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड आई हैव बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे फ्रॉम लास्ट आई गेस्ट ट्वेल्व ईयर्स नाउ काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ राइट एंड दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर ये हर जगह अवेलेबल रहता है आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है कोई भी परेशानी है रिगार्डिंग द एन आई एस एम फाइव एग्जाम एन ई एस एम फाइवे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट कॉर्स इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे जिसपे वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो क्लासेस नोट्स क्विज मॉक टेस्ट समरी शीट्स लिंक टू जॉइन द कॉर्स इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन विद इन सेवन डेज ऑफ प्रिपरेशन सेवन डेज ऑफ प्रिपरेशन के साथ आप इस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन एज पर सेबी रेगुलेशन म्यूचुअल फंड स्कीम शुड हैव एटलीस्ट डैश इन्वेस्टर्स मिनिमम कितने इन्वेस्टर्स जो हैं होने चाहिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम में एग्जिस्ट करने के लिए देर शुड बी मिनिमम ट्वेंटी इन्वेस्टर्स बीस इन्वेस्टर्स होने चाहिए कम से कम एंड एक सिंगल इन्वेस्टर के पास पच्चीस परसेंट से ज़्यादा कारपस नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक ही इन्वेस्टर पच्चीस परसेंट स्कीम के एसेट ओन करता है ऐसा नहीं होना चाहिए मिनिम ट्वेंटी इन्वेस्टर्स शुड बी देयर कम से कम बीस इन्वेस्टर होने चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए द ए जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं शॉर्ट में ए एम सी हैव टू डिस्कलोज द टी ई आर टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ वेरियस स्कीम ऑन देअर वेबसाइट ऑन डेली बेसिस डेली की डेली अपनी जो है इनको टीईआर शो करना पड़ेगा डेली के डेली नेट एसेट वैल्यू जिसको एन ए बी बोलते हैं वो शो करनी पड़ेगी राइट डैश इज अ प्रॉपर बेंच मार्क फॉर बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का प्रॉपर बेंच मार्क है क्रिसल हाइब्रिड फिफ्टी प्लस फिफ्टी मॉडरेट इंडेक्स राइट ये इसका बेंच मार्क है बेंच मार्क क्या है एक लार्ज कैप इंडेक्स है जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसका बेंच क्या होगा उसका बेंच होगा निफ्टी फिफ्टी राइट निफ्टी फिफ्टी उसका एक बेंचमार्क ये होगा बेंचमार्क होता क्या है आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहते हो लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस है उसको निफ्टी 50 के अगेंस्ट कंपेयर किया जा रहा है कि क्या आपने मार्केट से अच्छा किया या बुरा किया राइट सो क्रिसल हाइब्रिड 50 फिफ्टी ये बेंचमार्क है हाई बैलेंस हाइब्रिड के लिए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो कई बार होता है कि जो डेट फंड हैं डेट फंड में किसी ना किसी डेट uh, फंड में किसी जहाँ पे भी पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं फंड ने वहाँ पे डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट व्हाट हैपन्स इसको छोड़ो क्वेश्चन को पहले डिटेल में पढ़ते हैं सेबी के प्रॉपर नॉर्म्स हैं जो 2018 में आए थे जो रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो सेग्रीगेशन इसीलिए इसको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दीज नॉर्म्स अ म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट में जब पैसे लगाते हैं और क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाता है किसी इन्वेस्टमेंट का और वो इन्वेस्टिंग ग्रेड के नहीं रहते मान लीजिए किसी इन्वेस्टमेंट uh, का जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है वो डिफॉल्ट हो गया है या सी uh, हो गया जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ही नहीं रहा तो क्या होगा देन द एम सी मस्ट सेग्रीगेड दॉज डाउनग्रेडिड सिक्योरिटी इन टू सेपरेट पोर्टफोलियो तो अलग अलग पोर्टफोलियो हो जाएंगे जो नॉर्मल पोर्टफोलियो है वो अलग है और जिस पोर्टफोलियो में रेटिंग का डाउनग्रेड हो गया है तो उसको अलग रखना पड़ेगा आने वाले नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए राइट right? सो so, इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा अलग पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा और इन्फॉर्म द वैल्यूएशन एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिबेंचर ट्रस्टी एंड एम अबाउट द सेग्रीगेशन उनको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा राइट सो सेग्रीगेशन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो मीन्स अ पोर्टफोलियो विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटी इफेक्टेड बाय क्रेडिट इवेंट जनरली जो है क्रेडिट इवेंट है डाउनग्रेड ऑफ द रेटिंग रेटिंग कम कर दी गई है ओके आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट वाइल कैलकुलेटिंग वाइल कैलकुलेटिंग स्कीम रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर इफ देर इज एन एंट्री लोड देखिए एंट्री लोड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है ऐसे बी ने इलीगल बोल दिया अभी तो एग्जिट लोड लगता है एंट्री लोड तो लगता ही नहीं है इफ देर इज एन एग्जिट लोड द लेटर वैल्यू ऑफ एन ए इज टेकन एज एन ए माइनस एग्जिट लोड जब आप पैसे निकालते हो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में बहुत सारे फंड्स में एक साल का एक लॉक इन पीरियड है अगर एक साल से पहले पैसे निकालते हो तो जनरली एक परसेंट ले लेते हैं एग्जिट लोड तो आपको एक परसेंट आपके एन ए से आपको काट के मिलता है ओके okay, तो दिस वन इज ट्रू ओके अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो ओके एंट्री लोड तो अब लगता नहीं है हाउ लॉन्ग इज द ट्रेल कमीशन पेड टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कब तक कमीशन मिलती है द ट्रेल कमीशन इज पेड टिल द मनी इज हेल्ड इन द फंड जब तक पैसा फंड में पड़ा हुआ है तब तक आपको कमीशन मिलेगा और डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और आपको क्वार्टरली बेसिस पे पे आउट होता है ठीक है कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस पेड इन क्वार्टरली बेस ठीक है वॉट इज़ नेगेटिव अल्फा आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा न्यूज़ पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि स्कीम जो है वो पॉजिटिव अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रही है पॉजिटिव अल्फा अभी इस क्वेश्चन को छोड़िए पहले देखिए अल्फा क्या है अल्फा इज़ अ मेजर यूज इन फाइनेंस टू रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द बेंचमार्क अगर आपका एक लार्ज कैप फंड है लार्ज कैप फंड है और उसने 20 परसेंट का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने निफ्टी 50 ने आपको 12 परसेंट रिटर्न दिया है दैट मींस आपका अल्फा पॉजिटिव है सेम रिस्क लेकर आप ज्यादा रिटर्न दे पा रहे हो दैट मींस आपका अल्फा पॉजिटिव है अगर सेम रिस्क लेके आपका रिटर्न कम है बेंचमार्क से दैट मींस आपका अल्फा नेगेटिव है अगर आपका रिटर्न 12 परसेंट है निफ्टी 50 का और आपका 6 हुआ 8 हुआ तो आपका नेगेटिव अल्फा है ठीक है आई होप दैट इज क्लियर इट इज इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर अच्छी बात नहीं है ये नेगेटिव अल्फा आपका अंडर परफॉर्मेंस है आपके फंड का पॉजिटिव अल्फा मीन्स आपके फंड जो जो फंड है फंड मैनेजर है पॉजिटिव अल्फा मीन्स उसका परफॉर्मेंस बेटर है अच्छा है एज कंपेयर टू द इंडेक्स या बेंच मार्क लगा लीजिए इंडेक्स ही जनरली बेंच मार्क रहता है एंड इन्वेस्टर इन इंडिया इन्वेस्टिंग इन यू एस डॉलर आप नैजैक का मान लीजिए आई सी आई सी का नेजैक का फंड आता है नैजैक हंड्रेड का फंड है उसमें आपने पैसा लगाया है अगर यू एस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपको फ़ायदा होगा अगर यू एस डॉलर वीक हो गया तो आपको नुकसान होगा यू एस डॉलर स्ट्रोंग हुआ तो आपको बेनिफिट होगा राइट right? <coughs> वॉट इज एसेट एलोकेशन एसेट एलोकेशन क्या है डिसाइडिंग ऑन हाउ मच मनी टू बी टू बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू वंस प्रोफाइल आपको सोने पर पैसा लगाना है डेट पर लगाना है आपको इक्विटी में लगाना है लार्ज कैप में लगाना है स्मॉल कैप में लगाना है तो बेसिकली आप अपना एसेट एलोकेशन कर रहे हो इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स राइट बिजनेस मॉडल एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशियंसी इन अ बिजनेस इज अ कंपल्सरी क्राइटीरिया फॉर एम्पेनलमेंट एंड रिव्यू ऑफ विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंडस सो बिजनेस मॉडल एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशियंसी इन द बिजनेस इज अ कंपल्सरी क्राइटेरिया इफ डिस्ट्रीब्यूटर इज मेकिंग अ कमीशन ओवर वन करोड़ रुपए पर एन एम तो और भी पॉइंट्स हैं इफ़ द डिस्ट्रीब्यूटर हैज मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंट मोर देन ट्वेंटी लोकेशंस ए यूएम जो रेज करा है उस डिस्ट्रीब्यूटर ने सौ करोड़ से ज्यादा कमीशन एक करोड़ पर एन एम से ज्यादा है पूरी इंडस्ट्री से या किसी एक एमसी से पचास लाख रुपए की जो है कमीशन उठा रहा है, तो उस पे model, business, ये वाला जो right? ए जो सी वाली जो ओल्ड रिजीम है इनकम टैक्स का जिसमें बेनिफिट मिलता है ई स्कीम का डेढ़ लाख रुपए वाली आपको पता होगा डेढ़ लाख रुपए का आप जो है टैक्स बेनिफिट इसके ऊपर ले सकते हो तो कितने साल का लॉक इन पीरियड होता है तीन साल का लॉक इन पीरियड है सबको पता है राइट right? तीन साल का लॉक इन पीरियड है ये ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था रिटर्न फ्रॉम अ फंड इज नाइन परसेंट रिस्क फ्री रिटर्न इज फाइव परसेंट स्टैंडर्ड डेविएशन इज थ्री बीटा इज वन पॉइंट सिक्स आपको न्यूमिरेटर फाइंड आउट करना है शार्प रेशियो का बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो सिंपल है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सो रिटर्न ऑफ़ पोर्टफोलियो था नाइन रिस्क फ्री रिटर्न था फाइव आई गैस येस और आपका न्यूमरेटर हो जाएगा फ़ोर उसने न्यूमरेटर ही पूछा है फ़ोर तो फोर हो गया आंसर अगर आपको पूरा शार्प रेशियो निकालना होता तो नीचे आप फोर के नीचे डिवाइड कर देते जो आपका था स्टैंडर्ड डिवीशन थ्री के साथ तो आपका निकल आता शार्प रेशियो ठीक है ट विल एन इन्वेस्टर लुक एट इफ ही हैज टू नो फंडामेंटल attributes of a mutual fund scheme? तो उसको scheme information document देखना पड़ेगा S.I.D. आई डी आप देखोगे अगर आप एक स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो राइट <coughs> आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है बेस्ट स्ट्रैटेजी इन selecting अ म्यूचुअल फंड इज रीडिंग द पास्ट परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता पास्ट में आई जो स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है वो जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी अच्छा करेगी क्वांट ने पिछले साल में अच्छा कर दिया या पराग पारेग ने कर दिया जरूरी नहीं अगले सालों में करेगा एच डी एफ सी और आईसी सी के फंड अच्छा नहीं कर रहे थे तीन चार सालों से अब अच्छा करने लग गए हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर को प्रोडिक्ट नहीं करती वेन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इज इन्वेस्टर ही कैन ही कैन नॉट इग्नोर वो इन्वेस्टर की नीड को इग्नोर नहीं कर सकता अगला रिटायर्ड है कोई बंदा इन्वेस्टर पैंसठ साल का है सत्तर साल का है उसके पैसे आप स्मॉल कैप फंड में लगा दोगे तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहता उसको पता ही नहीं है बेचारे को तभी तो आपके पास है ठीक है तो ये दोनों गलत है आप इग्नोर नहीं कर सकते और बेस्ट स्ट्रेटी पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं ले सकते आपने अगर स्कीम चूज करनी है तो इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेंस देखनी है कि वो कितना रिस्क ले सकता है राइट right. आपको देखना पड़ेगा कितने पैसे उसके डेट फंड में लगाने हैं कितने आपको इक्विटी में लगाने हैं उसके इन्वेस्टमेंट गोल कितने हैं टाइम हराइजन कितना है उसका पाँच साल दस साल पंद्रह साल द फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फंड मैनेजर का क्या एक्सपीरियंस है फ़ंड के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और फंड की एक्सपेंस रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये ना हो कि डेढ़ डेढ़ दो दो परसेंट भी कई लोग ले रहे हैं आज की रेट में इक्विटी फंड्स पे और कई लोग पचास पैसे भी ले रहे हैं इंडेक्स फंड पे तो पंद्रह पैसे भी है दस पैसे भी है राइट सो so, दोनों गलत हैं ये द इम्प्लॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर इन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड नीड्स टू क्लियर डैश विच एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हो एंड ऑप्टेन एन एम्प्लॉई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको एनआईएसएम फाइवे का एग्जाम क्लियर करना है ठीक है द हेड्स ऑफ एक्सपेंसिस दैट कैन बी चार्ज टू अ म्यूचुअल फंड स्कीम बाय एन एम सी इज स्पेसिफाइड बाय से भी दैट इज ट्रू जो वेरियस हेड्स हैं वो से भी डिसाइड करता है सेबी भी बताता है दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवाइजरी फ़ी फंड मैनेजर फी लीगल फी ऑपरेशनल कॉस्ट ऑडिट फी एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे से भी डिसाइड करता है राइट right? से भी बताता है ये हेड्स कौन से हैं टी आर की भी एक मैक्सिमम लिमिट है अकॉर्डिंग टू द से भी वो भी उसका भी अलग से हमने चैप्टर किया हुआ है अपने कोर्स में एक बार जाके आप देख सकते हो ठीक है डैश डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉन्ड फंड एवरेज मेचोरिटी एवरेज मेचोरिटी डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉन्ड फंड सी स्टूडेंट्स जितना मेचोरिटी पीरियड ज्यादा होगा लॉन्गर द मेचोरिटी ऑफ द एसेट मोर सेंसिटिव इट विल बी टू मोर सेंसिटिव द एसे चेंजेज इन इंटरेस्ट रेट क्योंकि ज्यादा टाइम अगर रहेगा तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने के ज्यादा चांसेस हैं ज्यादा टाइम पीरियड में ओके सो एवरेज मेच्योरिटी डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉन्ड फंड एम आई पीस मंथली इनकम प्लान हैव नो एक्सपोजर टू इक्विटी फॉल्स दे हैव एक्सपोजर टू इक्विटी जनरली इट हैज राइट

0.001 परसेंट जो है आपका एस लगता है ये आई होप सबको पता है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड म्यूचुअल फंड्स हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ आर फॉर इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है तो उसके लिए आर की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर एलिजिबल डिस्ट्रीब्यूटर्स विच एन एम शुड चेक बिफोर इम्पेलिंग अम्पेनलिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर एडिकुएट कंट्रोल टू डीलिंग सेल फंक्शन फ्रॉम कस्टमर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एवैलुएशन राइट सेल फंक्शन को अलग करना है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो तो आइए करेगा ना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करेगा राइट right? आईए का जॉब मेक श्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर ना करे राइट right? इसका जॉब ही नहीं है सेल का जॉब है डिस्ट्रीब्यूटर का वट इज द फुल फॉर्म ऑफ अग्नि अग्नि का फुल फॉर्म है एम फी गाइडलाइंस एंड नॉम फॉर इंटरमीडियरिज ओके इन केस ऑफ एन इंडेक्स फंड द मिनिम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स शेल बी हाउ मच इट शेल बी नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल एसेट शुड बी इन द इन दैट इंडेक्स फंड पांच परसेंट का कैश वगैरह रख सकते हैं जो भी रखना चाहते हैं नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल एसेट शुड बी इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स ओके सो Identify the correct statement. Valuation gains are ignored, but valuation losses needs to be adjusted against the profit while calculating the distributable uh, surplus. The mark-to-margin gains from a uh, form a part of distributable reserves in case of mutual fund income distribution come capital withdrawal plan. सो ओनली ए इज करेक्ट जब आप वैल्यूएशन करते हो वेन यू डू द वैल्यूएशन वैल्यूएशन गेन्स को इग्नोर करना है आप कंजर्वेटिव होके काम कर रहे हो आप ना वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर बट वैल्यूएशन लॉसेज नीड्स टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रोफिट तो वो करना पड़ेगा आपको ठीक है लॉसेस को एडजस्ट करना है डिविडेंड कैन बी पेड एंड दूसरा पॉइंट जो था सेबी की गाइडलाइंस हैं डिविडेंड्स कैन बी पेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व ओनली ठीक है तो इसको आप ध्यान में रखें द फर्स्ट वन इज करेक्ट सेकेंड वन इज नॉट ओके सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू एंड यू लाइक द टुडे सेशन एन आई एस एम फाइव ए का जो कोर्स है हम कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स टूडे पे वी आर कवरिंग विद द हेल्प ऑफ वीडियो क्लासेस नोट्स

लाइक like, दो तीन दिन आप लगाइए क्वेश्चन बैंक में एंड दैट शुड बी मोर देन सफिशियंट टू क्रैक द एग्जाम जस्ट गो फॉर इट राइ लिंक टू जॉइन द कॉर्स इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन इफ देर इज एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज आस्क योर डाउट्स दैट सॉल्व फोर टू डे स्टूडेंट थैंक यू एंड अ वेरी नाइस डे बाय